हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आप जैसा कि आपको पता है कि सबके एडमिशन हो चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जो मबो राउंड में एडमिशन लेने वाले हैं, एंड उसके बाद जो है कुछ सीटें बच जाएंगी जो कि अगले स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फॉरवर्ड होंगी। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया एडमिशन वो उनका भी हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं अगली एक वीडियो बना दूंगा। पर जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आप लोगों ने जैसा कि उसका रिस्पॉन्स किया है कि आपको क्या क्या फर्स्ट ईयर में थिंग्स जो है बाई करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें बाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने बहुत सारी वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर कि जो बताते हैं ये भी खरीद लो ये भी खरीद लो, तो कोई मतलब नहीं उनको लेने का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी सी चीज़ें जो खरीद सकते हैं और क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन करते हैं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी बुक्स। तो यार देखो, बुक्स आपको अपने कॉलेज से ही, कुछ कॉलेज में होता है कि आपको अपने कॉलेज से बुक्स इशू हो जाती हैं और कुछ कॉलेज वाले साथ में देते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं देते हैं। तो पहले आप क्या करिए कि एक बुक्स की जो लिस्ट आती है कॉलेज से उसको आप ले लीजिएगा, और आपके जो भी बुक्स चल रही हों आपके कॉलेज में उनसे पहले आप एक बार इन्फॉर्मेशन ले लें कि कौन कौन सी बुक्स आपके में चल रही हैं। उसके बाद ही आप जो है कहीं भी परचेज उसको करें बुक, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम जो बुक्स खरीद लेते हैं वो आपकी नहीं चलती है कॉलेज में, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाती हैं, आप वहाँ से जाकर उसको भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा बुक्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है हमारी, जो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमारी होती है बुक्स, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स आपको बुक्स लेनी है, आप सीनियर से भी ले सकते हो बुक्स, और फिलहाल तो लाइब्रेरी में सब कुछ मिल जाता है। और आपको अगर नहीं लेनी है तो आप पहले एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि अभी कौन कौन सी बुक चल रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तो होगी बुक्स की बात, ठीक है। अब हम सेकंड थिंग से बात करते हैं कि सेकंड चीज़ क्या आपके पास क्या होनी चाहिए। तो यार देखो, ये रहा एप्रन, ठीक है। एप्रन आप ले सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, जो किसी कॉलेज में साथ में मिलता है, क्योंकि पिछली बार मेरे कॉलेज में नहीं मिला था साथ में, पर इस बार क्या है कि कॉलेज वाले साथ में दे रहे हैं एप्रन वगैरह का, तो उसमें क्या होता है लोगो वगैरह आपको मिल जाता है साथ में कॉलेज का। तो हो सकता है कि आपको भी अपने कॉलेज से एप्रन मिले, तो अगर आपको नहीं मिलता तो आप ले सकते हैं। तो मैंने ये खरीदा था कैनवास का जो कि अबाउट 350 का पड़ा था। पर ये यार इसमें क्या दिक्कत है कि ये गर्मी में थोड़ा, इसका कपड़ा थोड़ा वैसा है चिकना सा, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसको मैं अभी चेंज करूँगा। और ये सर्दियों के लिए ही ठीक है यार। और बाकी जो सूती कॉटन का होगा वही गर्मी में आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब उसको आप ड्रेस के ऊपर पहनते हैं। तो सेकंड थिंग ये हो गई आपके लिए। देखो, ड्रेस तो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, मतलब कि एक रेगुलरिटी के हिसाब से सभी कॉलेज में चलती है। आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो कॉलेज में पढ़ा होगा आपने और अदर्स अपने स्कूल में पढ़ा होगा, सब में ड्रेस अलाउ होती है। तो देखो, उसका कारण एक रीज़न ये है कि आपके जो कपड़े हैं वो गंदे होने से बच जाते हैं, तो आप एक दो जोड़ी बनवा लीजिएगा ड्रेस, है ना, कि जो आप तीन तीन दिन उसको यूज़ करके पहन सको। बाकी सेकेंडरी थिंग्स होती है, अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल है, कुछ कॉलेज वाले देते हैं कुछ नहीं देते हैं, तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नंबर थर्ड चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए जो होती है सबके पास, स्टेथोस्कोप। तो गाइस, ये मुझे मिला था फ्रेशर पार्टी में, और मोस्ट ऑफ द जो फ्रेशर पार्टीज़ होती हैं जूनियर्स के लिए, तो सबको दिया जाता है। तो होप आपके कॉलेज में मिलेगा, फिलहाल तो मेरे कॉलेज में दिया गया था हम लोगों को। तो हम लोगों के पास पहले से एक था स्टेथोस्कोप, कुछ बच्चों के पास और कुछ के पास नहीं था। तो आप स्टेथोस्कोप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो स्टेथोस्कोप है, आप कंपनी बता दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप माइक्रोटोन का ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेथोस्कोप है। मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं इसके, और तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं दोनों की लिंक डाल दूँगा, ये अपने डॉक्टर मॉर्फिन वाले की भी डाल दूँगा और जो अपना माइक्रोटोन का उसकी भी डाल दूँगा, और एक दो लिंक डाल दूँगा, आप चेक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके बाय कर सकते हैं। और जो मोस्टली ऑनलाइन ही मंगाएंगे, क्योंकि ठग होते हैं दुकान वाले, पता ही है आपको, दो की चीज़ चार में देते हैं, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो एक बार आप दुकान पर चेक कर सकते हैं, अगर रेट में मिल जाता है सही आपको तो वहाँ से खरीद लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास कुछ आती हैं चीज़ें, मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स, मैंने वीडियो दे रखी हैं कि आपको जो है स्फेग्नोमैनोमीटर लेना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की मशीन। तो यार देखो, आई थिंक फर्स्ट ईयर में आपको इतना ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं है, और जो कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपको लैब्स में ही मिल जाएंगे, बीपी मशीन, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेने की। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं एक प्रैक्टिकल के यूज़ के तौर पर, तो आप उसको ले सकते हैं। डाइसेक्शन के टाइम डाइसेक्शन किट, तो यार देखो, डाइसेक्शन के टाइम डाइसेक्शन किट आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपके कंट्रीब्यूशन कर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे लोगों का डाइसेक्शन करवाया गया हमारी क्लास में, तो क्या हुआ, हम लोगों ने कॉमन रुपए कर लिए थे और डिस्ट्रीब्यूशन करके एक दूसरे कंट्रीब्यूशन करके मंगवाया था। तो ऐसा नहीं है, अगर आप खुद से पर्सनली लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, और काफ़ी महंगा नहीं आता है, ऐसी अपने 600-700-800-500 रुपये का तक का मिल जाएगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से अगर आपको उसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपना सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि हमारे ग्लव्स, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि जब आप डाइसेक्शन करने जाएंगे ना, तो आपको कंपलसरी ये होना, और हो सके तो मास्क भी अपना ले लीजिएगा साथ में, ऑब्वियसली बात है मास्क आप लेके जाएंगे। तो आप इकट्ठा एक पैकेट मंगा लीजिएगा जो सर्जिकल ग्लव्स आते हैं उनका,
और जो मास्क आते हैं सर्जिकल वाले, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपके लिए जो है साल भर नेसेसरी चलता रहता है, तो उस हिसाब से आपके जो बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मैं, आप चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, ठीक है, बाकी सब यही चीज़ें होती हैं, बुक्स वगैरह का मैंने आपको बताई दिया। और ज़्यादा कोई फालतू चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि बीपी भी खरीद रहे हो या फिर ऐसा मशीन कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी भी आती है और इतना कुछ काम भी नहीं होता उसका। जहाँ जब आप फोर्थ ईयर में पहुँच जाएंगे तब एक बार आप ले सकते हो, बाकी प्रैक्टिकल के यूज़ के हिसाब से आप नहीं ले सकते हो, उसको मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा आपको। और अगली चीज़ जो हमारी बहुत सारे देखा होगा उन वीडियो में कि बोन सेट बताते हैं, तो यार देखो बोन सेट भी आपको अवेलेबल हो तो यार देखो बोन सेट भी आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि कॉलेज में आपको बोन सेट मिलता ही है, तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको खरीदने की, क्योंकि महंगा आता है बोन सेट और मेरे हिसाब से ना ही खरीदें। पर आपको अगर फिर भी इच्छा है कुछ सीखने की, कुछ करने की, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास होता है, अच्छा लगता है उनको अपना खुद का पर्सनल, तो आप ले सकते हैं। और खास करके एनाटॉमी में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो अगर आपको अच्छे समझना है, क्योंकि एनाटॉमी में जो है सब कुछ डायग्राम के ऊपर बेस्ड होता है, बोन्स वगैरह जॉइंट्स वगैरह, तो आप उसको ले कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं एक बार। तो हो सके तो ज़्यादा महंगा मत लगाइएगा, आप थोड़ा अपने हिसाब से बजट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस ये सभी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें बताइए आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या नहीं। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। और अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट कर देना वीडियो के ऊपर, ठीक है। और नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, और भी क्या है ना कि मैं बना दूंगा अच्छी अच्छी वीडियो, थोड़े पेपर वगैरह हो जाएँ। और यही थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ गाइस लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।